लॉन्ग लॉस्ट क्वेश्चन है यूरोप करने के लिए इंजन ऑयल स्पेसिफिकेशन क्या इस्तेमाल इंजन ऑयल के ऊपर एक बहुत लंबी थोड़ी डिबेट रही है हमेशा से पर स्टैंडर्ड जहाँ पुराने इंजन देखा जाता है वहाँ पे 20W50 रेकमेंड करते हैं ऑयल डाल के चलते और इस रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटे सा कोई अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट डू द नंबर्स डिनोट अगर आप नोटिस करेंगे तो देयर इज ऑलवेज डिजिट इन अल्फाबेट फॉलोड बाय अ स्लैश फिर दो डिजिट ये डिनोट करते हैं उसका मिनिमम ऑपरेटिंग और मैक्सिमम ऑपरेटिंग हर इंडिविजुअल गाड़ी उसके रिलेटेड इंजन मैन्युफैक्चरर रेकमेंडेड ग्रेड सबसे आसान तरीका कॉर्नर मैनुअल देखें जो ब्रेक स्पेसिफिकेशन पर लिखी हुई है वो ब्रेक स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल करें और वही ऑयल यूज करें नॉट नेसेसरी कि 1,00,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में मोटर ऑयल डाला जाए 2,00,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में मोटर अगर आपको ऑयल ग्रेड के ऊपर कभी कुछ शक है आप जो है वो किसी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से मशवरा करें इसके ऊपर आपको बेहतर जवाब मिल सकेगा अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या मैक्सिमम ऑपरेटिंग ऑयल का यूज करें मेन बेसिक फीचर है ऑयल के ऑयल हमें इंजन लुब्रिकेशन इंजन कूलिंग में असिस्टेंस और क्लीनिंग में जो ऑयल काला होता है बेसिकली अनबर्न कार्बन जो कार्बन डिब्री है उसको जमा करके ड्रेन पे लेकर आता है ताकि जब हम ऑयल ड्रेन करें तो सारा जितना बिल्डअप हुआ कार्बन है वो ड्रेन आउट इसकी अंडरस्टैंडिंग व्हिच ऑयल ग्रेड टू बी यूज इज रियली सबसे बेहतरीन और सबसे आसान ऑलवेज रेफर योर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन गाड़ी का ऑनर मैनुअल पढ़े सबसे आसान रहेगी दुनिया किसी की बात ना सुने कि मल्टी ग्रेड डाला जाए सिंथेटिक डाला जाए अनलेस यू रनिंग अ परफॉर्मेंस टाइप व्हीकल इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस देखिए मैन्युफैक्चरर के मशवरे पर अमल करें बेहतरीन इंजन मिलती है